हेलो दोस्तों, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना दाल और चावल से बने ढोकले। ऐसे चना दाल और चावल को भिगोकर पहले मेरी मम्मी ढोकले बनाया करती थी, वही रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी चना दाल और दो कटोरी चावल, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ धो के रखा है। अब मैं उसमें पानी डाल के उसको 8 से 10 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दूंगी। आठ से दस घंटे हो चुके हैं, अब हमारे दाल और चावल भी पूरी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमारी दाल पीस चुकी है, हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब ऐसे ही चावल भी पीस लेंगे। अब हमारे चावल भी पीस चुके हैं, अब हम इन दोनों को मिलाकर 8 से 10 घंटे के लिए खमीर आने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे ढोकले का बैटर कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर, आधे नींबू का रस, नींबू का रस ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा खट्टा चाहते हैं तो डालें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना डालें, पर मैं डाल रही हूं, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी कलर के लिए, जिससे ढोकले का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, और 1/2 चम्मच खाने का सोडा, 2 मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और जीरा, ये ऑप्शनल है क्योंकि आमतौर पर लोग नहीं डालते हैं, लेकिन अगर हम इसको बैटर में डालेंगे तो ढोकले की टेस्ट और भी ज्यादा अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसकी पेस्ट पहले से ही बना के रखी हुई है, वो भी हम इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हम ढोकले के बैटर को ढोकला प्लेट में तेल लगा के बनने के लिए डालेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ढोकले की भाप लगाने के लिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, जो कि मैंने 5 मिनट पहले यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ढोकले की प्लेट को ढोकला मेकर में रखेंगे ऐसे, और ऊपर से ढक्कन लगा के फ्लेम हाई कर देंगे। अगर आपके पास ढोकला मेकर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको और एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे कि आप ढोकला बना सकते हैं। आप कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखिए, उसमें ऐसे एक स्टैंड जैसा कुछ रख दीजिए, उस पर ये ढोकले की प्लेट रखिए और उसको इस तरह से ढक दीजिए। अब हाई फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए ढोकले की भाप लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम दोनों गैस बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए ढोकले की भाप भी ठंडी हो चुकी है, अब हम निकालते हैं ढोकला। आप देख सकते हैं हमारे दोनों भी ढोकले कितने अच्छी तरह से फूले हैं। चलिए अब हम ढोकले का तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम इस पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई, हरी मिर्च, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेना है हमें, हींग, और 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच शक्कर भी डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, और अब हम इसको ऐसे उबाल आने देंगे 5 मिनट तक। देखिए हमारा तड़का तैयार है, अब हम गैस बंद करेंगे।
अब हम इस तड़के को ढोकले के ऊपर डालेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गार्निशिंग के लिए इस पे सेव, बारीक सेव और हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले।